हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरु जी में। सीआरपीएफ न्यू रिक्वायरमेंट 2020, हेड कांस्टेबल के लिए 1412 पद पे भर्ती आई है नई। तो क्या कुछ रिक्वायरमेंट है और पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। सरकारी एग्ज़ाम वेबसाइट है कि इस पे आप देख सकते हैं जो भी आपको देखना हो कोई भर्ती के बारे में। तो सीआरपीएफ है, हेड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2020, सेंट्रल रिजर्वेशन पुलिस फोर्स, पोस्ट नेम हेड कांस्टेबल। तो ये देख सकते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है इसके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्री है। स्टार्टिंग डेट है 7 फरवरी 2020 और लास्ट डेट है 6 मार्च 2020, और एग्ज़ाम डेट इसमें लगभग मार्च या अप्रैल 2020 में एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे, बिल्कुल कंफर्म है। और आपकी जॉब लोकेशन रहेगी ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। और एज आपकी काउंट होगी 1 अगस्त 2019 से लेकर, और मैक्सिमम एज आपकी है 32 साल तक, और जो कैटेगरी को एज में छूट मिलती है वो इसमें छूट मिलेगी आपको। तो मैं आपको पूरी डिटेल से बता देता हूँ किसके लिए कितनी पोस्ट है। तो हेड कांस्टेबल पोस्ट का नाम तो है आपको पता ही, मैंने बता दिया पहले भी। मेल है 1331 पोस्ट, मेल के लिए, मेल कैंडिडेट है जो उनके लिए 1331 पोस्ट है। जर्नल के लिए 1031 पोस्ट है, और एससी के लिए 200 पोस्ट है, एसटी के लिए है 100 पोस्ट, फीमेल कैंडिडेट के लिए है 81 पोस्ट है। ये देख सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए 81 पोस्ट, जनरल कैंडिडेट है जो उसके लिए है 63 पोस्ट, 80 के लिए 12, एसटी के लिए 6 पोस्ट है। पे स्केल आपको अच्छा ही है, इसमें दिखा नहीं रखा पूरी डिटेल से। अगर आपको पूरा नोटिस डाउनलोड करना तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। और फिजिकल की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, हाइट चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप अब डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको क्या कुछ है, ये देख सकते हैं आप, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको डाउनलोड करना हो नोटिस, ये इसमें सब दे रखा है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये देखो, ये वाला सी पॉइंट, प्लस टू पास होना चाहिए, आप प्लस टू पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी तो सारा इसमें बताए रखा है। ये आप देख सकते हैं पूरी डिटेल इसमें दे रखी है आपको, और ये आपके जोन दे रखे हैं, जम्मू एंड कश्मीर सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, साउथ जोन। प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आएंगे आपके 60 नंबर के, और प्रोफेशनल नॉलेज 70 नंबर की, नॉलेज कंप्रेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 30 नंबर की। टोटल जो आपका पेपर होगा वो 160 नंबर का होगा, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको हाइट टेस्ट तो बता ही दिए सारी, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट के लिए आपको बता रखा 100 मीटर रेस मेल के लिए चाहिए, 16 सेकंड में आपको 100 मीटर की रेस क्लियर करनी है। फीमेल कैंडिडेट उनके लिए 18 सेकंड में,
और 1.6 यानी 1600 मीटर की रेस है 6.5 मिनट में आपको क्लियर करनी है। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 12 फीट है, 3 चांस मिलेंगे इसके लिए। और फीमेल कैंडिडेट है उनको 9 फीट के लिए 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप है 3 फीट है, 9 इंच है, लगभग आप 4 फुट मान के चल सकते हैं। इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे और इसमें 3 फीट लगाना, तो इनको भी 3 चांस। बाकी आप ये नोटिस आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सपोर्ट्स के लिए अलग से बेनिफिट है उनके लिए, तो ये आप पूरा डिटेल से नोटिस देख सकते हैं। 1600 मीटर की रेस होगी मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 800 मीटर की। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई नई अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद।